इन्हें कपड़े पहनने का सलीका नहीं। रमजान में तो यूं दुल्हन बनकर टीवी पे आने के बाद आवाम निदा यासिर पर पूरी तरह से बरस पड़ी। दोस्तों हुआ यूं था कि जी निदा ने अपने शो में पहन लिए थे कुछ ऐसे कपड़े उन्होंने ज़ेब-तन कर लिए थे जिस पर आवाम ने उनको शदीद किस्म की तनकीद का निशाना बनाया। इन्हें देखकर लगता है रमजान शो में नहीं वलीमे की तकरीब में जा रही हैं। ये अल्फाज थे पाकिस्तान की मशहूर मेज़बान अदाकारा निदा यासिर के लिए। मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त रमजान का बाबरकत महीना दोस्तों चल रहा है और इस बाबरकत महीने में लोगों पर अल्लाह पाक की तरफ से रहमत बरस रही है। एक तरफ तो रहमत बरस रही है और दूसरी तरफ जी पाकिस्तानी आवाम निदा यासिर के कपड़ों पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। हुआ दोस्तों यूं था कि निदा ने रमजान के तकद्दस में मॉर्निंग शो के बजाय सहरी प्रोग्राम शुरू किए जिसमें ये तमाम उभरते हुए मशहूर और पाकिस्तानी अदाकारों को मधु करती और इनसे इनके बचपन से मुतल्लिक सवालात करती कि आपका रमज़ान कैसा गुजरता था वगैरह वगैरह। मगर इन शोज़ में ये ज़्यादातर शरारा पहनकर शरीक हुई जिस पर पाकिस्तानी आवाम ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बहुत कुछ कहा है और कुछ अल्फाज में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि रिफत नामी खातून का कहना था कि ये उम्र इसकी 50 साल है और फैशन 18 साल की लड़की वाले। खान नामी शख्स का कहना था ये निदा आंटी किसकी मेहंदी पे जा रही हैं, मौसमी लग रही हैं। जबकि प्रोफेसर सना का कहना है कि एक तो इसकी हर रोज ईद ही होती है। जी तो ये थी निदा यासिर के बारे में न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।